नमस्कार मित्रों, कल के व्याख्यान में हमने सुकरात के संबंध में बात की थी और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम पाश्चात्य दर्शन शास्त्र के वास्तविक जनक या यूं कह दीजिए कि दर्शन शास्त्र के पिता प्लेटो के संबंध में बात करेंगे। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ। इनके पिता का नाम एरिस्टोन एवं माता का नाम पेरिक्टोन था तथा इनके पिता एथेंस के सम्राट कार्डस के वंश से आते हैं। प्लेटो बचपन से ही बहुत योग्य, बहुत होनहार, बहुत बुद्धिमान और बहुत चातुर्य बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि के धनी माने जाते हैं। इनके बचपन का नाम अरिस्तोक्लीज था। प्लेटो का जन्म एक कुलीन वर्ग में हुआ था। कुलीन वर्ग यानी ना तो ये बहुत ज़्यादा संपन्न परिवार से थे और ना बहुत ज़्यादा सामान्य परिवार से थे। एक मध्यम स्तर का इनका परिवार था, लेकिन इनके पूर्वजों की सत्ता में सहभागिता रही। प्लेटो बड़े हष्टपुष्ट शरीर वाले थे, बड़े चौड़े कंधे इनके हुआ करते थे। इसी कारण इनके व्यायाम शिक्षक ने इनका नाम प्लेटो रखा, अरिस्तोक्लीज के स्थान पर इनका नाम प्लेटो रखा। प्रारंभिक अध्ययन के बाद प्लेटो लगभग 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के पास अध्यापन के लिए भेजे गए और वहाँ इन्होंने लगभग 8 वर्षों तक सुकरात के चरणों में बैठकर सुकरात के सानिध्य में बहुत व्यवहारिक एवं दार्शनिक शिक्षा के कई पहलुओं की बारीक जानकारी प्राप्त की। जब 399 ईसा पूर्व में इनके गुरु सुकरात को शासन सत्ता की आलोचना या यूं कह दीजिए कि तर्कपूर्ण आलोचना के कारण मृत्युदंड की सजा दी गई थी, उससे प्लेटो बहुत व्यथित हुए। प्लेटो को बहुत आघात पहुंचा और प्लेटो के मन मस्तिष्क पर इस दृश्य की छवि ऐसी उभरी कि उसके बाद में प्लेटो के चिंतन में कई प्रकार के क्रांतिकारी और कई प्रकार के सामाजिक उद्वेग उत्पन्न हुए। फॉस्टर कहते हैं कि प्लेटो के समस्त चिंतन पर सर्वाधिक प्रभाव सुकरात का रहा। वास्तव में प्लेटो अपने गुरु सुकरात से बहुत प्रभावित था और सुकरात के चिंतन को प्लेटो ने साकार रूप में अभिव्यक्त किया। मैक्सी ने कहा कि प्लेटो के रूप में सुकरात पुनर्जीवित हो गए, यानी सुकरात की ही एक तरह से प्रतिछाया प्लेटो को कहा गया। और वैसे भी जो ज्ञान सुकरात ने अभिव्यक्त किया उसको प्लेटो ने आगे बढ़ाने का और उसको और ज़्यादा व्यापक बनाने का काम किया। अब प्लेटो के जो ये दर्शन के बिंदु उभर कर सामने आए उसका मुख्य आधार क्या हो सकता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लेटो को दर्शन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो पाश्चात्य चिंतन में अगर परंपरागत दर्शन की बात कहीं से आई तो वो प्लेटो के चिंतन से आती है। प्लेटो ने सबसे पहले
जो ट्रेडिशनल चिंतन चल रहा था उनके गुरु सुकरात और सुकरात से भी पूर्व सोफिस्ट विचार को का जो दर्शन चल रहा था उसको आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि कई मामलों में सोफिस्ट विचारकों के दर्शन का इन्होंने तार्किक रूप से खंडन भी किया, लेकिन इनके दर्शन में परंपरागतता अधिक देखने को मिलती है। दूसरा, आदर्शवादी दर्शन। ये अगर आदर्शवादी दर्शन के जनक माने जाते हैं, इनका दर्शन व्यवहारिक कम और आदर्शवादी अधिक रहा। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने किस प्रकार दार्शनिक राजा की कल्पना की और एक दार्शनिक राजा के माध्यम से एक बहुत दार्शनिक, बहुत ही सभ्य और बहुत ही सुशासित राज्य की बात इन्होंने कही, जो वास्तविक रूप से होना बहुत असंभव सप्रतीत हो रहा था उस समय भी, और आज तो वास्तव में ऐसा होना बड़ा मुश्किल कार्य है। कार्य कारण दर्शन। प्लेटो ने अपने दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत को बहुत व्यापक रूप से अभिव्यक्त किया। इन्होंने कहा कि किस प्रकार आप यदि कोई काम करते हो तो उसका रिएक्शन किस प्रकार आपको दिखाई देता है, और इसके लिए उन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों में अलग अलग प्रकार का कार्य विभाजन किया और ये कहा कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। अगला है सद्गुण संबंधी दर्शन। प्लेटो के चिंतन में आपको हर जगह बार बार आपको सद्गुण संबंधी बात देखने को मिलेगी, और इन्होंने अपने गुरु सुकरात के इस वाक्य को भी दोहराया कि सद्गुण ही ज्ञान है, क्योंकि बिना सद्गुण, बिना अच्छे आचरण, बिना अच्छे व्यवहार के आप किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। इनके चिंतन में दार्शनिकता का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, और इन्होंने निगमनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। दो प्रकार की अध्ययन पद्धतियां होती है, एक निगमनात्मक, एक आगमनात्मक। निगमनात्मक अध्ययन पद्धति में पहले किसी विशिष्ट की कल्पना की जाती है और फिर उसके बाद में उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जबकि आगमनात्मक पद्धति में पहले आप संसाधन जुटाते हो और उन संसाधनों के आधार पर आप किसी योजना को क्रियान्वित करने के बारे में सोचते हो। तो ये थोड़ा सा अंतर है, एक तो विशिष्ट से सामान्य की ओर और एक सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये दोनों पद्धतियों में अंतर है। प्लेटो के प्रमुख सिद्धांत, मैं यहाँ संक्षिप्त में प्रमुख सिद्धांतों की बात करूँगा, फिर इनको विस्तार से अगले व्याख्यान में बारी बारी से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले न्याय सिद्धांत। प्लेटो के संपूर्ण दर्शन का आधार न्याय सिद्धांत है, और ये उन्होंने अपने गुरु सुकरात से प्रेरित होकर, बाद में भी इन्होंने इस न्याय दर्शन पर बहुत कार्य किया और इसको अलग अलग तार्किक रूप से अलग अलग माध्यमों से इन्होंने अभिव्यक्त किया, और इस न्याय दर्शन के लिए एक आदर्श राज्य की इन्होंने कल्पना की, और आदर्श राज्य के शीर्ष पर ये दार्शनिक राजा को स्थापित करते हैं, और उस आदर्श राज्य में कि दो स्तंभ प्लेटो के रहे, एक तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत और दूसरा प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत, और इन शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद के सिद्धांतों के माध्यम से इन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना का प्रयास किया, और फिर उस आदर्श राज्य में एक व्यवहारिक न्याय सिद्धांत की कल्पना इन्होंने व्यक्त की। कार्य विशिष्टकरण का सिद्धांत। कार्य विशिष्टकरण, प्लेटो ये कहता है कि समाज में तीन वर्ग होते हैं, मैं इसकी बात आगे भी करूँगा लेकिन अभी यहाँ संक्षिप्त में बता देता हूँ। समाज में प्लेटो ने तीन मुख्य वर्ग बताए, दार्शनिक राजा, सैनिक और उत्पादक वर्ग।
और इन तीनों वर्गों का उन्होंने अपना अपना कार्य विभाजन किया कि राजा जो ज्ञानी होगा, बुद्धिजीवी होगा, वो शासन कार्य को संभालेगा। सैनिक जिनमें साहस होता है, बल होता है, वो राज्य की सुरक्षा का काम करेंगे, और उत्पादक वर्ग वो सेवा का काम करेंगे। इसको इस आदर्श राज्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली की बात की, जिसको तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक शिक्षा, सैद्धांतिक शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, और फिर दूसरा जो उसका भाग है व्यावहारिक शिक्षा, और ये बहुत लंबी शिक्षा प्रणाली, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरा जो इसका मुख्य आधार स्तंभ है वह है साम्यवाद का सिद्धांत, जिसमें वो दो प्रकार के साम्यवाद की बात करता है। पहला संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा परिवार का साम्यवाद। प्लेटो की कुछ प्रमुख रचनाएं रही जिनको देखने पर, जिनको पढ़ने से उनके सारे सिद्धांतों का खुलासा हो जाता है, सारे सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या हमको पता चल जाती है। और उन सब पुस्तकों में जो शीर्ष पर जो मुख्य पुस्तक है वह है रिपब्लिक, और रिपब्लिक बहुत श्रेष्ठ पुस्तक मानी गई है प्लेटो की। उसके बाद में स्टेट्समैन, लोज, लोज ये लगभग इन 80 वर्ष की अवस्था में लिखी गई पुस्तक है, और संभवतः ये प्लेटो की लास्ट पुस्तक भी है। इसके अलावा भी प्लेटो ने बहुत सी पुस्तक लिखी, लेकिन मैं यहाँ कुछ प्रमुख पुस्तकों का ही जिक्र करूँगा। क्रिटो, अपोलोजी, मीनो, फ्रिडस, सोफिस्ट आदि प्रमुख पुस्तकें प्लेटो ने लिखी, और उन सब पुस्तकों के माध्यम से प्लेटो ने अपने सिद्धांत को, दार्शनिक राजा के सिद्धांत को, अपने न्याय सिद्धांत को, अपने शिक्षा सिद्धांत को और अपने साम्यवादी सिद्धांत को स्पष्ट करने की कोशिश की। तो धन्यवाद मित्रों, इसके आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।